हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में नॉन टीचिंग पोस्ट पर जो परमानेंट वैकेंसी आई है, जहां 12th एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, यहां पर आप बिल्कुल फॉर्म लगा सकते हो। सैलरी जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो स्टार्टिंग जो है वो 45,000 से लेकर 80,000 तक मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोग जो है कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो है 7 पेजेस की पीडीएफ फाइल मैंने खोल ली है, एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे नंबर 1 पर रजिस्टर्ड और लाइब्रेरियन, ये दोनों जो वैकेंसी हैं ये आप लोगों के लिए नहीं है, तो वहाँ पर जो कार्यरत हैं पहले से ही तो उनके लिए हैं। नेक्स्ट आप देखें, असिस्टेंट रजिस्टर्ड, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, एसीएस असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, सीनियर टेक्नीशियन, सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट। तो कुल जो है वो 109 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। तो सबसे पहले जो है वो हम जूनियर असिस्टेंट की जो है यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। जूनियर असिस्टेंट का जो क्राइटेरिया है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो सीनियर सेकेंडरी यानी 12th मांगी गई है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कितनी भी परसेंटेज हो आप लोगों की 12th में, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट जो है यहाँ पर मांगी गई है। डिजायरेबल यानी अगर आपके पास है कंप्यूटर स्किल जो है वो आपके पास और भी ज्यादा अच्छी है, स्टेनोग्राफी स्किल है, तो आपको प्रेफर जो है वो ज्यादा दी जाए, यानी आपको जो है वो सबसे आगे रखा जाएगा। एज जो है यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर, तो 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर भी 12th मांगा गया है, लेकिन यहाँ साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे कि 12th जो है वो आपने की हुई है 50% के साथ, और साथ में आपने ITI कर रखा है 1 साल का, तो आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने 10th करी है 60% मार्क्स के साथ, ITI सर्टिफिकेट आपका 2 साल का है, तो आप कर सकते हो यहाँ अप्लाई। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन इन रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, तो या फिर आपने पॉलिटेक्निक या कोई इंस्टीट्यूट से जो है आपने 3 साल का जो है इस फील्ड में डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक है, इंजीनियरिंग में कर रखा हो, तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या चाहिए, 12th आपको चाहिए, मिनिमम स्पीड इन शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो स्टेनोग्राफी यहाँ पर मांगी गई है 80 वर्ड पर मिनट की। डिजायरेबल अगर कंपलसरी अगर नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग, अगर आपको कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट विद एडवांस स्किल इसकी नॉलेज है, तो आप लोगों को जो है वो आगे रखा जाएगा। एज जो है यहाँ पर 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो अभी हम एज रिलैक्सेशन भी देखने वाले हैं। सीनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12th मांगी गई है, यहाँ पर टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, और देखिए सब जगह जो है वो कंप्यूटर की नॉलेज जो थोड़ी बहुत तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है, बेसिक नॉलेज तो सभी को आती ही है। एज जो है यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है वो एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। यहाँ पर जो प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल, अगर किसी को कंप्यूटर स्किल जो है और भी अधिक आती है और स्टेनोग्राफी स्किल भी है उसकी अच्छी, इसके अलावा बैचलर डिग्री है, ठीक है, ग्रेजुएशन है, तो 12th पास किया हुआ जो स्टूडेंट फॉर्म फिल करेगा उससे ज़्यादा प्रेफर जो है वो बैचलर डिग्री वाले को देंगे। सीनियर टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12th साइंस स्ट्रीम के साथ 60% मार्क्स के साथ मांगा गया है। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी में 12th में जो है यहाँ पर एटलीस्ट 50% मार्क्स साथ में जो है वो ITI कोर्स 1 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसका सीनियर टेक्नीशियन का, तो सेकेंडरी यानी आप अगर 10th भी कर रखा है 60% मार्क्स के साथ, ITI सर्टिफिकेट है 2 साल का, तो आप कर सकते हो। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में 3 साल का, तो भी आप यहां पर कर सकते हो। और आप जो है यहां जितनी भी पोस्ट है यहां पर ये चीज लिखी गई है कि डिजायरेबल है, यानी अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आपको आगे रखेंगे। ये एज जो है यहाँ पर 33 ईयर जो है सीनियर टेक्नीशियन की मांगी गई है। सुपरिटेंडेंट की जो है आप देख लें, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री यानी फर्स्ट डिवीजन जो है आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, ऐसा यहाँ पर नहीं है कि केवल जो है वो साइंस से ही कर रखी हो, तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखी हो,
और अगर आपने जो है वो मास्टर डिग्री कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, यानी आर्ट्स कॉमर्स साइंस से, 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, तो भी आप कर सकते हो यहाँ पर अप्लाई। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रीड शीट है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। यहाँ पर उम्र जो है वो 30 ईयर है। इसके अलावा और भी पोस्ट हैं जिनके लिए जो है वो आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो, और लिंक मैं जो है आप लोगों को शेयर कर दूंगी। तो देखिए, एडवर्टीजमेंट कहाँ से रिलीज हुई है, तो यह है सिलचर आसाम से रिलीज हुई है 7 जुलाई को। तो अप्लाई जो है वो आपको कैसे करना है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर की जो है आप मेन साइट पर आ गए हैं। न्यूज अपडेट में आप देखेंगे नीचे एप्लीकेशन पोर्टल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोजिशन इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर 2023, ठीक है, सबसे ऊपर में ही जो है वो दी गई है एप्लीकेशन पोर्टल, इस पर आप जाएंगे और एप्लीकेशन कर देंगे। सेकेंड नंबर पर जो है इसी की एडवर्टाइजमेंट दी गई है, सारी डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन और भी जो है डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। थैंक यू।